भी प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात, हो सके तो पूरे श्रावण भर में बेल के वृक्ष के नीचे शाम की संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जलाएं, इसे दीपदान कहते हैं। यदि बेल का वृक्ष नहीं मिले तो शिवलिंग के पास जलाएं। तीसरी बात, कोई भी पत्र पुष्प न मिलने पर केवल एक बेल पत्र भी चढ़ा देने से आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। चौथी बात, चढ़ाया हुआ बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है, यानी चढ़ाए हुए बेलपत्र को दोबारा धोकर भी चढ़ा सकते हैं। तो यदि किसी के पास परेशानी हो कि हमारे पास 1000 बेलपत्र नहीं है भगवान को 1000 नामों द्वारा चढ़ाने के लिए, तो उसी बेलपत्र को आप फिर से धो लेना और फिर से उन्हीं को चढ़ा सकते हो। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, आपको पूर्ण फल मिलेगा। पांचवी बात, सावन मास में दूध पीना तो मना है, लेकिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की बड़ी अद्भुत महिमा है, इससे सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। छठवीं बात, शिवलिंग के पास कम से कम 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। और आखिरी और सबसे प्यारी बात, भोले बाबा के आगे बैठकर आप राम नाम का अवश्य जप कर लेना, राम राम राम, प्रेम से। इतना भी आपने कर...